बहरे नहीं है, हर बात की खबर है हमें। वो जो तुमने दूल्हा मियां की शादी में तमाशा बनाया था वो क्या था? और अब तुम किससे निकाह करने चली थी? तुम समझती हो कि हमारी फूफीजाद की दौलत पर तुम अपना आशिक लाकर बिठा दोगी? तो बीबी, ये हम होने नहीं देंगे। ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। ऐसा ही है, सब समझते हैं हम। अगर तुम्हें शादी करने की इतनी ही जल्दी है तो हमें कहो, हम करवा देते हैं तुम्हारी शादी। सेठी भाई के अगर बहन भाई नहीं है तो क्या हुआ, हम उनके करीबी रिश्तेदार हैं और अपने खानदान में शादी करवाएंगे। शादी की तमन्ना नहीं है आपा, एक अकेली औरत होने की हैसियत से अपनी हिफाजत के लिए एक महरम का सहारा चाहता बस। अगर ऐसी ही बात है तो हम है ना, वो राशिद भाई है ना, सेठी भाई के खाला के लड़के। अरे अभी अभी वो रनवे हुए, उनको भी खिदमत के लिए एक बीवी का सहारा मिल जाएगा और घर की बात और जायदाद घर में ही रह जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? सेठी साहब तो अपनी जिंदगी में भी उनको पसंद नहीं करते थे। वो दुकान वाला फ्रॉड भूल गए आप दोनों? मैं कैसे सब कुछ उनके हवाले कर सकती हूँ? तब की बात तब थी, अभी की बात करो तुम। बस अब तुम हमारी मर्जी से शादी करोगी। पहले ही तुम्हारी वजह से हमारे भाई की काफी बदनामी हो चुकी है मोहल्ले में। सेठी भाई हमारे पुप्पीजाद भाई थे तो क्या हुआ, भाई तो थे ना।